When we are all connected, तब भी हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और किसी के साथ हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. कोई हमें अच्छे से बात करता है तो हम उसके लिए डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं. कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है या कैसा भी है तो उसके साथ हम एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो सर, समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज कि व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड व्हाई कांट वी बिहेव एंड बी द सेम विद एवरीवन. देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक है एक रियलिटी, वो क्या है, चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, उसमें कोई डाउट है ही नहीं. जैसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, वी आर ऑल मेड अप ऑफ दैट सेम एनर्जी. जो हमारे मटीरियल्स हैं वो सब सेम है, जिन मटीरियल्स के हम बने हैं, हमारी बॉडीज बनी है, दैट इज़ अ फैक्ट विच कांट बी क्वेश्चन. एक है बिहेवियर, जिसकी आप बात, बिहेवियर में इट इज़ इम्प्लाइड कि कोई दूसरा है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आ जाता है. कोई बोलता नहीं है, बट एवरी रिलेशनशिप इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ गिव एंड टेक. ये हर रिलेशनशिप के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं. इवन द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, कि अगर कोई एक पर्सन है जो बदले में सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करे लेकिन जब करने की बारी आए तो पीछे हट जाए, तो कहने के लिए तो वो हस्बैंड वाइफ है लेकिन वो रिलेशन ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा ना. तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये हमको सेंसिबली समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी हमारा बिहेवियर होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गिव एंड टेक इक्वेशन. दैट्स मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जैसे बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया तो मैं बदले में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को 100 रुपए की वैल्यू की कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिले, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन. ऐसे ही एक ट्रांजेक्शन होती है फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, सबके बीच में. और फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने बोल दिया तो उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं. फ्रेंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. एक फ्रेंड होते हैं जो हमको पता है कि ये फ्रेंड है ही टाइम पास के लिए. फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि हम अपने काम से आए, बहुत स्ट्रेस आउट हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रेस आउट हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, साथ में लंच किया, डिनर किया, वो अपने घर हम अपने घर. अब वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाए कि वो हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहा, हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा, तो हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं. वो रिलेशनशिप अलग है, वो फ्रेंड्स अलग है. वो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज में बन जाते हैं. जो स्कूल कॉलेज की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वहाँ पर एक इमोशनल एक अलग ही बॉन्ड होता है क्योंकि हम साथ में ग्रो कर रहे हैं. उसके बाद में जब लोगों का अपना माइंड एक लेवल पर डेवलप हो जाता है तो रिलेशनशिप अलग अलग तरह की होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में किसी के साथ में काम कर रहे हैं तो वो भी कहने के लिए फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका कलीग है. तो उसमें हमको मिक्स नहीं करना है कि वहाँ पे जा करके हम अपने सारी बातें बता रहे हैं, फिर वो आगे बता रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया. अरे, वो एक अलग रिलेशनशिप है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप हमारी जिसके भी साथ में है, उसके क्या रूल्स हैं. वो सामने वाले को क्लियर नहीं भी है तो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए, तो कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप. तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर हमारा अलग अलग होना चाहिए. फंडामेंटली वी आर ऑल वन. मैं और किसी जंगल में कोई मानो सांप है जहरीला, या कोई बहुत ही प्यारा सा कोई बर्ड है, मान लो कोई ग्रीन कलर का एक पैरेट है बड़ा ही प्यारा सा, या कोई पपी है छोटा सा, कहने के लिए हम चारों एक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. वी आर ऑल मेड अप ऑफ नेचर. लेकिन मैं कोबरा के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करूँगा जिस तरह से मैं उस पपी के साथ में बिहेव करूँगा. तो ये हमको देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कहाँ पर कैसा रखना. लोग भी कुछ कोबरा की तरह होते हैं, तो इसलिए मैंने इशारे में बात कही है, मैंने क्लियर नहीं बोली है ना. कुछ होते हैं जहरीले, होते हैं, तो उनसे थोड़ा उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा. अब आप कहोगे नहीं वी आर वन, वो तो उसका तो काम ही वही है, मतलब वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही आपको. देखना पड़ेगा कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी क्या इक्वेशन है. इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या बहुत जल्दी अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में. आराम से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बोलना चाहिए, फिर कुछ सामने वाले को कमिट करना चाहिए. आइडियली अंडर कमिट एंड ओवर डिमिट, दैट मस्ट बी द गोल्डन रूल ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ एनी रिलेशनशिप का दर्पण. क्योंकि मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं होती, ट्रांजेक्शन होती है. तो कम बोल के ज्यादा डिलीवर कर दो तो वो रिलेशनशिप अच्छी चल जाएगी.
चलाई जाने बाईसाइकिल चलाई जाने ओ साड़ी वाइफ लग दी जिन्हू पीछे बैठाई जाने ओ साड़ी वाइफ लग दी